हेलो हेलो मैं ऑडिबल यस यस धनंजय जी, मैं यही बोलना चाहता हूं कि डाउनफॉल जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो शायद शुरू हुआ है और हम लोग हमेशा लेट हो जाते हैं 20-30% हो जाने के बाद, लेकिन हम लोग को जल्दी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम लोग स्ट्रेंथ यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग को स्ट्रेंथ बताएगा मार्केट, हम लोग को स्ट्रेंथ खुद बताएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2009 में लोगों ने बहुत यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाया रहेगा, यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाया रहेगा, यहाँ से यहाँ गया फिर से और एक नया डेप्थ बनाया, यहाँ से यहाँ गया डेप्थ बनाया, यहाँ से यहाँ, मतलब बॉटम का बॉटम है और हम लोग इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा बॉटम है एग्जैक्टली। तो स्ट्रेंथ के लिए मैं बोलूंगा आरएसआई को ऊपर आने दीजिए, आराम से ऊपर आने दीजिए। जो प्राइस आपको यहाँ पे मिले उससे बेस्ट प्राइस आपको हमेशा मिलेगी। अगर ये करेक्शन नहीं है, ट्रेंड है, तो करेक्शन में भी अगर हमें बेस्ट प्राइस मिल रही है तो डेफिनेटली हमें, अगर ये डाउन ट्रेंड रहेगा तो उसकी बेस्ट प्राइस हमें डेफिनेटली लोअर ही मिलेगी। तो जिसको भी एवरेज करना है या एवरेज जो ऑलरेडी पोजिशन में है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप, आपके पोर्टफोलियो आपका 100% जो अमाउंट था उसके आप 50% में आ गए हो तो आप डायरेक्टली यहाँ का वेट करो, स्ट्रेंथ दिखेगा तब का वेट करो। अगर आप 25% डाउन हो पोर्टफोलियो तो आप यहाँ पे ऐड करो जो अभी नेक्स्ट मूव आएगा, मतलब यहाँ पे जब जब हम लोग को स्ट्रेंथ दिखेगा दिस, ये स्ट्रेंथ के बाद एक वीकनेस आएगा और वो वीकनेस इससे लोअर रहेगा तो हम लोग को यहाँ पे ऐड करना है। बॉटम के नीचे अगर नेक्स्ट टाइम प्राइस कभी भी आया निफ्टी बीज, ओके निफ्टी बीज फ्राइडे बिफोर मार्केट क्लोज, ओके। बट आप शरण जी, आपने कभी निफ्टी बीज में एंटर किया एंड ऑफ द डे और बिगिनिंग ऑफ द डे में, सर्किट के पहले कि सर्किट के बाद? क्लोज के बाद 3 o'clock, ओके ठीक है। तो बोलूंगा निफ्टी 20 को भी एवरेज करना पड़ेगा आपको अभी, तो एवरेज करने के टाइम पे भी हमारे पास काउंट नहीं कितनी बार हम लोग को आरएसआई के नजदीक मिलेगा नेक्स्ट एंट्री। आरएसआई के नजदीक का मतलब वेन एवर वी गेट वी सी सम स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इज कमिंग टूवर्ड्स हमारा बैंड, तो हम लोग को वेट करना है यहाँ से कितना गिरेगा। क्योंकि बैंड के नजदीक में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि समझो ये एग्जांपल देता हूँ मैं 6 अप्रैल का, 6 अप्रैल बैंड के नजदीक आने के बाद इफ इट इज नॉट अगेन गोइंग, इफ इट इट इट्स बीन नॉट येट प्लान फॉर फॉलिंग, अगर ये फिर से गिरने की तैयारी में नहीं है तो हम लोग को नया अच्छा खासा बाय विथ स्ट्रेंथ मिल रहा है और ड्राइवर सीट चेंज कर रहे हैं यहाँ पे और फिर हम लोग एंटर कर सकते हैं। और अभी अगर हम लोग इस मोमेंट पे एंटर करेंगे डेफिनेटली ये बेरिश मूव वैनिश होके बुलिश व्यू में हम लोग जा रहे हैं, बुलिश मूव आने वाला है ये कंफर्म हो जाएगा और फिर हमारा स्टॉप लॉस जो मैं बोलूंगा वो बहुत ही छोटा या ना के बराबर रहेगा। इसके लिए जब जब यहाँ पे नियर आएगा आपको वेट करना है इसको क्रॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर क्रॉस नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली नीचे जाएगा एंड नेक्स्ट टाइम यू विल गेट अ बेटर लो, अगेन स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो बेटर लो मिलेगा अपने को। ये एक बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ मिला है लेकिन इस मोमेंट पे हम लोग फिर क्या करना है अभी इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इस मोमेंट पे क्या करना है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग को प्राइस एक्शन और स्ट्रेंथ दोनों देखना है। जैसे ही प्राइस ऊपर आ गया है हम लोग को सबसे पहले ये जो मूव है वो वीक लोअर टाइम फ्रेम पे फेल होते हुए दिखेगा। ये आरएसए के लास्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि फेल होने का मतलब क्या है, या फिर हम लोग जब ये ड्राइवर सीट चेंज कर रहा है, क्रॉसिंग कर रहा है, स्ट्रेंथ चेंज हो रहा है, तो स्ट्रेंथ चेंज होने के बाद जो हम लोग बोलते हैं ना कि रिटेस्ट करेगा मार्केट, रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट को हम लोग चार्ट में देखेंगे कि रिटेस्ट का मतलब क्या है। फर्स्ट टाइम अगर हम लोग 5 मिनट्स बोल रहे तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पहले क्रॉस करेगा बुलिश व्यू, फिर 15 मिनट्स क्रॉस करेगा,
फिर 1 आवर क्रॉस करने के टाइम पे पहले 5 मिनट्स लोअर हो जाएगा, फिर 15 मिनट्स लो हो जाएगा, फिर 5 मिनट्स बाउंस बैक करेगा ऊपर की तरफ, फिर 15 मिनट्स ऊपर की तरफ बाउंस बैक करेगा, फिर एक नया स्ट्रेंथ लेके मार्केट 1 आवर को क्रॉस कर देगा, फिर तीनों मिलके अगेन बाउंस बैक करेंगे, फिर तीनों मिलके बाउंस बैक होने के बाद फोर्थ जो हम लोग 4 आवर्स का टाइम फ्रेम बोलते हैं वो क्रॉस करेगा, ऐसे कर करके स्ट्रेंथ चेंज हो जाता है। तो ये हम लोग चार्ट्स में भी देखने वाले हैं। ये पार्ट तब सब लोग को RSI का हम लोग क्या देखने वाले हैं RSI में, इतना समझ में आया क्या? ओके और ये अगर सेंसिबल लग रहा है तो आगे मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो हम लोग वो आप भी कंसिडर कीजिए कि वो भी सेंसिबल होगा। इफ इट इज नॉट येट सेंसिबल देन आपका जो अंडरस्टैंडिंग है आपके साथ ऑलरेडी RSI का जो अंडरस्टैंडिंग है आप वो भी कैरी कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो RSI मैंने अंडरस्टैंड किया है वही सेम अंडरस्टैंडिंग और किसी का हो। जिसको मुझे इतना पता है मार्केट में कोई स्ट्रेटजी या कोई स्ट्रक्चर इज नॉट रियली इम्पॉर्टेंट, ओनली थिंग इम्पॉर्टेंट इज हाउ यू मैनेज योर कैपिटल। स्ट्रेटजी कुछ भी हो, इवन मेरे पास बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी भी हो लेकिन कैपिटल मैनेजमेंट जीरो होगा तो फिर कुछ मतलब नहीं बनता है मार्केट में। ट्रेड करके या इन्वेस्ट करके तो स्ट्रेटजी को हम लोग लेस इंपॉर्टेंस देते हैं, सारा कुछ मनी मैनेजमेंट पे आता है। तो मनी कब डिप्लॉय करना है और कब मार्केट में स्ट्रेंथ होगा, जब इन्वेस्टर या होलसेलर मनी डिप्लॉय करते हैं तब हम लोग मनी डिप्लॉय करेंगे, तब का मतलब उसके थोड़ा बाद हम लोग मनी डिप्लॉय करेंगे तो फिर हम लोग गेन कर सकते हैं। जैसे ये मूवमेंट में मैं बोलूंगा यहाँ पे जो जो भी बॉटम्स बन रहे हैं वो इग्नोर करना है अपने को। जब तक RSI वीकली या डेली लेवल पे ऊपर नहीं आता है डेफिनेटली बहुत अच्छा मूव चला जाएगा, नो वरीज, अच्छा मूव चला जाने दीजिए, वो अच्छा नहीं है, वो अभी अच्छा दिख रहा है, उसके बाद क्या आने वाला है वो हम लोग को स्ट्रेंथ बता रहा है। ये जो निगेटिव स्ट्रेंथ बढ़ा है, ये जो निगेटिव स्ट्रेंथ बढ़ा है इसको ओवर पावर करने के लिए बहुत टाइम जाएगा, ये तो हिस्ट्री बता रहा है। तो एक ही दिन में ये ओवर पावर नहीं होगा। आज इतना अगर बॉटम किसी ने बनाया स्ट्रेंथ में, मतलब बेयर्स इतने हावी है, इसको हम लोग कितनी भी ताकत लगाए तो भी इसके ऊपर नहीं उठा सकते। ये उठाने का ताकत जो लगाएंगे वो बड़े इन्वेस्टर लगाएंगे और उन्होंने एक दिन में लगा के डेफिनेटली ये ऊपर नहीं बढ़ने वाला है। इसके बाद और लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनेगा और फिर एक दिन सुनहरा दिन आएगा जिसको हम लोग ट्रेडिंग के दिन में ट्रेडिंग के लैंग्वेज में बोलते हैं, अरे अभी बुल मार्केट शुरू हो गया, जैसे ये लो तोड़ा फिर ये हाई बनाया और फिर हमारे पास अगर स्ट्रेंथ भी मिला इस सेम टाइम पे तो फिर हम लोग को एंट्री करना है। पोर्टफोलियो में जितना पैसा डालना है, जो बोलते हैं ना लोग कि ये अभी डाल दो तो 4 गुना 5 गुना मिलेगा, वो मोमेंट ये नहीं है। वो मोमेंट आएगा, अपने को चार्ट में दिखेगा, हम पैसा बना के रखेंगे और तब पैसा डालेंगे, तब मार्केट में पैसा बनेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूं मैं। कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ इंडेक्स, अभी इंडेक्स इधर तक तो हम लोग को सब पता चला। अभी इंडेक्स का मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्यों बोलते हैं। रिलेटिविटी हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास कंपैरिजन के लिए कोई दूसरा है तो ही हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। फिर हम लोग क्यों कंपेयर कर रहे हैं, स्ट्रेंथ के लिए, किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। लेकिन अगर मार्केट में किसी स्टॉक में 10,000 लोग है, किसी स्टॉक में 1,00,000 लोग है, किसी स्टॉक में करोड़ों लोग इंटरेस्टेड है तो हम लोग अलग अलग स्केल यूज नहीं कर सकते। तो सबको एक स्केल में मेजर करने के लिए अपने पास एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मतलब ये स्ट्रेंथ को एक इंडेक्स में हम लोग फिट कर सकते हैं। जो इंडेक्स में बोलूंगा हमेशा आप RSI किधर भी देखोगे 0 to 100 ही रहेगा RSI। और 0 to 100 क्यों किया गया है, कैसे किया गया है, उसका हम लोग अगर लाइव एग्जांपल देखना चाहेंगे आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
या ठीक है, हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे। हम लोग ने स्ट्रेंथ देखा, स्ट्रेंथ का मतलब बुल स्ट्रेंथ में कितने दिन के लिए थे, बेयर स्ट्रेंथ में कितने दिन के लिए थे। इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, हम लोग ये पार्ट प्रैक्टिकली देखेंगे। आप लोग यस बोल सकते हो। मैं क्या करूंगा, फेब से लेके मार्च, अभी कितना, 14-13 मार्च तक डेली बेसिस पे रिलेट RSI कैसे कैलकुलेट हुआ ये हम लोग एक्सेल में कैलकुलेट करेंगे खुद। ये क्यों मैं बोलना चाहूंगा, क्यों कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए। हम लोग जो इंडिकेटर फॉलो कर रहे हैं उसको हम लोग थरोली जानते हैं, और ये इंडिकेटर सच्ची में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो ओके, तो हम लोग जाते हैं। RSI का फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। और आज के बाद किसी ने भी आपको RSI बोला ओवरसोल्ड, ओवरबॉट, ये है वो है, तो हम लोग वो मीनिंग ना पकड़ते हुए हम लोग RSI को स्ट्रेंथ का चेंज या ड्राइविंग सीट कौन है यही हम लोग कंसिडर कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैं एक्सेल में जाता हूँ। पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके ओके, विजिबल है आपको NSE का साइट, मतलब हो रहा है विजिबल हम लोग। मैं बैंक निफ्टी, मेरा फेवरेट है, तो बैंक निफ्टी का डेटा उठाता हूँ। 18 अगस्त में ही हम लोग फर्स्ट फेब से उठाते हैं, और 14th 2020, अगस्त नहीं आया अभी तक, मार्च 13 गेट डेटा। ओके गुड, अभी एक्सेल शीट विजिबल है सबको। ओके थैंक यू। अभी हमारे पास डेटा है, दिस इज बैंक निफ्टी फ्रॉम 1st ऑफ फेब टू 13th ऑफ मार्च 2020। हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज है क्लोजिंग, RSI क्लोजिंग पे हम लोग देखते हैं। इसको मैं हाईलाइट करूंगा, ये हाईलाइट। ओके हाईलाइट हो गया, आपको दिख रहा है अभी। मतलब दिख रहा है। हाँ अभी हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट फेब को बैंक निफ्टी 29820 पे क्लोज हुआ है, थर्ड ऑफ फेब को 30023 पे क्लोज हुआ है, मतलब कुछ तो डिफरेंस है, प्लस में क्लोज हुआ है। तो हम लोग को RSI कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले डिफरेंस जानना है हम लोग को। डिफरेंस इजी फॉर्मूला है, आज के दिन मतलब थर्ड फेब को अपने को देखना है, तो थर्ड फेब माइनस प्रीवियस डे, हम लोग को डिफरेंस मिल गया। हम लोग ने कॉपी किया डिफरेंस, एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, आज के दिन से कल का दिन माइनस कर दीजिए क्लोजिंग, तो हम लोग को एक वैल्यू मिलेगा 202, मतलब कल से आज मार्केट 202 पॉइंट बढ़ा है। ओके आप चैट पे रिप्लाई करते जाइए मुझे, तो मैं ये आप फॉलो कर रहे हो ये जान पाऊंगा। ठीक है, तो डिफरेंस यस ऐसा कुछ लिखिए, मतलब मेरे को सारे यस दिख रहे मुझे, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ ये प्रीवियस यस है या नेक्स्ट वाला यस है। तो डिफरेंस इज ओके फॉर यू, वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप। यस ओके थैंक यू।
तो डिफरेंस क्या है? अब ये डिफरेंस आपको दिखेगा, डिफरेंस इज समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स निगेटिव, मतलब कुछ दिन ये मार्केट बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, फिर कुछ दिन ऐसे आए कि घटते गया, फिर बढ़ते गया, फिर घटते गया, फिर बढ़ते गया. अभी हम लोग जानेंगे कि लॉन्ग स्ट्रेंथ कितना है. और जैसे लॉन्ग का स्ट्रेंथ है वैसे शॉर्ट का स्ट्रेंथ है. तो लॉन्ग का स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है? इफ दिस इज ग्रेटर देन जीरो तो दिस सेम सेम वैल्यू, एल्स जीरो. हम लोग ये फॉर्मूला से हम लोग को जहां जहां पे पॉजिटिव स्ट्रेंथ है वहां वहां पे वैल्यूज दिखेगा, और जहां जहां पे नहीं है या निगेटिव स्ट्रेंथ है वहां पे हम लोग को जीरो दिखेगा. सेम फॉर्मूला स्टॉर्ट, मतलब डाउन साइड में कितना स्ट्रेंथ है वो अगर हम लोग को देखना है, तो इफ दिस इज लेस देन जीरो देन यहाँ पे हम लोग निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे. एब्सोल्यूट करके एक चीज है, एब्सोल्यूट का मतलब वो सिर्फ उसका वैल्यू लेगा, मैग्नीट्यूड या निगेटिव वैल्यू नहीं लेगा, पॉजिटिव वैल्यू लेगा और जीरो. मतलब क्या है, अगर स्ट्रेंथ, ओके मैं रिपीट करता हूं, देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव डिफरेंस पॉजिटिव है, उसका मतलब क्या है, हम लोग को लॉन्ग या बुलिश स्ट्रेंथ, बुलिश स्ट्रेंथ हम लोग को देखना है और बेयरिश, बेयरिश स्ट्रेंथ हम लोग को देखना है. टाइम क्या हुआ है, एक मिनट, 11:30. हाँ, बुलिश स्ट्रेंथ अगर हम लोग को देखना है तो हम लोग को देखना है जीरो से ज्यादा, मतलब बुलिश हुआ ना कल के दिन से रिलेटेड, रिलेटिवली मार्केट ऊपर क्लोज हुआ तो वो बुलिश क्लोज हुआ, तो उन लोग उसको बुलिश स्ट्रेंथ या लॉन्ग स्ट्रेंथ बोलेंगे. तो वो कैसे कैलकुलेट करना है, इफ इफ फॉर्मूला सिंपल है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे आप जब भी वीडियो रिविजिट करोगे आप समझ पाओगे कि जहाँ पे दिस इज ग्रेटर देन जीरो, ये जो वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो मुझे सिर्फ वो वैल्यू दिखाए ये कॉलम में, अदरवाइज जीरो दिखाए, और उसका उल्टा जिसमें यहाँ पे निगेटिव है उसमें सिर्फ वैल्यू दिखेगा. इसका फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा है, एब्सोल्यूट का मतलब ये माइनस साइन नहीं लेगा, उसका ट्रू वैल्यू लेगा, जो भी वैल्यू रहेगा उसका सिर्फ वैल्यू लेगा, मैग्नीट्यूड या जो उसका साइन नहीं लेगा, नहीं माइनस या प्लस. तो इसको अगर हम लोग कॉपी करेंगे तो आपको दिखेगा जहां जहां पे प्लस है वहां वहां पे यहाँ पे जीरो है, और जहां जहां पे माइनस है यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब 102 माइनस 102 यहाँ पे 102 करके दिख रहा है. इज इट ओके? ओके, अभी ये इंपॉर्टेंट, यहां से एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन शुरू होता है, जो मैंने ईएमआई के टाइम पे आपको बोला था कि कैलकुलेशन में बताऊंगा आगे जाके भी. तो हम लोग एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज बुलिश स्ट्रेंथ मैं इसको बोलूंगा, एवरेज बुलिश स्ट्रेंथ रैप करता हूं, ठीक है, और इसको बोलूंगा एवरेज बेयरिश स्ट्रेंथ. अब एवरेज का मतलब समझो, एग्जांपल में लेता हूं, सबसे सब लोग को जो नंबर अच्छा लगता है 14 डेज का एवरेज, 14 डेज का एवरेज हम लोग इसमें कैसे निकालेंगे. तो हम जाते हैं ये, ओके, नंबर ऑफ डेज यहाँ पे काउंट दिख रहा है 14 डेज, यहाँ पे हम लोग ने देखे तो 14 डेज मतलब 16th पे हम लोग एवरेज निकालेंगे. ये सिंपल एवरेज रहेगा, पहले दिन का कभी भी सिंपल एवरेज रहेगा, ए वी ई आर ए जी ई. कितने दिन का, बुलिश या बेरिश जो भी है, हम लोग सिर्फ बुलिश यहाँ पे कंसिडर हो रहा है, इसके लिए बुलिश स्ट्रेंथ हो गया, एवरेज हो गया 164. ये सबको पता चला बुलिश एवरेज कैसे निकला है, मतलब जिस दिन में हम लोग ने 14 डेज कंसिडर किए वो 14 डेज में कभी कभी मार्केट बुलिश है कभी कभी बेरिश है, लेकिन उसमें हम लोग ने बेरिश का कुछ कंसिडर नहीं किया, हम लोग ने सिर्फ उसमें से बुलिश काउंट कंसिडर किया, उसका एवरेज निकाला. सेम हम लोग बेरिश निकालेंगे, फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला क्या करेगा, एवरेज ऑफ बेयरिश स्ट्रेंथ.
तो ये हो गया वेरी फर्स्ट डे, हम लोग जो कैलकुलेट होता है वेरी फर्स्ट डे का मतलब यहां तक ये जो एवरेज है ये एवरेज पहले 14 दिनों का है। इसके बाद जो कैलकुलेट होता है जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल एवरेज बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल एवरेज का मतलब ये जो एवरेज निकला है उस एवरेज को नेक्स्ट दिन के लिए हम लोग जब भी कंसिडर करेंगे तो हम लोग कंसिडरिंग करंट डे और प्रीवियस डे के एवरेज, ओके इन सिंपल लैंग्वेज आज के दिन को भी कंसिडर करेंगे। एक्सपोनेंशियल जब भी हम लोग बात करेंगे तो आज के दिन को के एवरेज में प्रीवियस 13 डेज के एवरेज से मिलाएंगे। और वो हम लोग कैसे मिलाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला ये है 13 एक मिनट 13 इंटू 164 प्लस 14। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, प्रीवियस 13 डेज का एवरेज तो ये निकला है तो 13 इंटू दिस नंबर प्लस आज का मैंने बुलिश स्ट्रेंथ कंसिडर किया और ये 13 प्लस ये वन एडिशनल डे मिला के 14 डेज हो गए तो डिवाइडेड बाय 14 तो हो गया अपना बुलिश स्ट्रेंथ का एवरेज। और इसके आगे के सारे दिन ऐसे ही कैलकुलेट होंगे। बेरिश के लिए इज इक्वल टू प्रीवियस 13 डेज का मैं एवरेज सेम पकड़ रहा हूं, सॉरी 13 डेज इंटू दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 14 तो ये हो गया नेक्स्ट उस दिन के लिए प्रीवियस 14 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये अभी तक आपको सब समझा, ओके फाइन। अभी EMA जो हम लोग निकालते हैं उसका फॉर्मूला तो यही है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, लेकिन RSI जो चीज है RSI दोनों का स्ट्रेंथ भी कंसिडर करता है और फिर उसमें कंपैरिजन करने के लिए, स्ट्रेंथ में कंपैरिजन करने के लिए अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जिसको हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने जाएंगे तो 28 फेब को आप बताओ मुझे एग्जाम्पल एवरेज बुलिश स्ट्रेंथ इज 164 और बेरिश स्ट्रेंथ इज 84 तो देखने का तो आपको पता चल रहा है किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है बुलिश या बेरिश। बुलिश डेफिनेटली, तो इसको क्योंकि ये नंबर्स है तो इसको हम लोग एक मीनिंगफुल नंबर बोलेंगे। वो नंबर बोलने के लिए सिंपल है बुलिश डिवाइडेड बाय बेरिश। ये आंकड़े से हम लोग को पता चलता है 1.95। हम लोग ने बुलिश स्ट्रेंथ को बेरिश स्ट्रेंथ से डिवाइड किया तो 1.95 टाइम्स वो ज्यादा है। लेकिन फिर भी इसमें एक चीज हम लोग समझ नहीं पा रहे, अगर हम लोग ने सारे कैलकुलेट किए, इसका सिंपल फॉर्मूला है बुलिश डिवाइडेड बाय बेरिश, इसमें कभी 1.3 है 1.3 है 1.2 है, हम लोग समझ नहीं पा रहे कि कब ये बुलिश ज्यादा है बेरिश ज्यादा है, क्योंकि ये जीरो आता है तो पॉइंट्स में चला जाता है, मतलब बेरिश ज्यादा होता है तो ये पॉइंट्स में चला जाता है 0.6 0.4 ऐसे, तो इससे हम लोग को इतना मीनिंगफुल आंसर नहीं आ रहा है। तो क्या किया है किसी और बंदे ने दिमाग लगाया इस पे और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोला इसको। इससे क्या हो गया, हम लोग सारी चीजें 0 to 100 में मैप कर पाए, मतलब पीरियड कोई भी हो 14 डेज हो 100 डेज हो 1000 डेज हो, हम लोग सबको फिट करके ये 1.9 या 1.2 कुछ भी ना बनाते हुए 0 to 100 में से कोई वैल्यू निकलेगा।
तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रिलेटिव स्ट्रेंथ। अभी ये फॉर्मूला थोड़ा सा इलेबरेट करता हूं मैं। इसमें से ये जो पार्ट है, या पहले हम लोग ने क्या निकाला, रिलेटिव स्ट्रेंथ निकाला। रिलेटिव स्ट्रेंथ को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये नंबर कभी 1 point something है या कभी 0 point something है। इसको थोड़ा सा हम लोग 0 to 100 के मीटर पट्टी में डालते हैं जिससे हम लोग को अंडरस्टैंड करने में इजी रहेगा। तो अगर हम लोग ये फॉर्मूला 1 by 1 इलेबरेट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो हम लोग को मीनिंग समझ रहा है 33। 100 में ओके 100 माइनस, हाँ, इसका मतलब ये है इन्होंने क्या किया है, ये स्ट्रेंथ को एडिशनल 1 करके एक पैरामीटर डाल दिया है, 1 से ऐड किया है, 1 से ऐड किया है, जिस 1 को ऐड करने के बाद उसको हम लोग 100 के स्केल में गिन सकते हैं। और हम कोई भी चीज, जैसे हम लोग बचपन में करते थे ना कि मैथ्स में, सिंपल मैथ्स में समझो 3000 में से 200 रुपए चले गए तो 100 में से कितने, तो हम लोग को क्या एक कंपेरेटिवली परसेंटेज मिल जाता है, एक रिलेशन मिल जाता है 100 में से कितने का आंसर जो आता है वो हमेशा 100 के नीचे ही आएगा। तो हमें भी इसमें यही फाइंड आउट करना है कि 100 0 टू 100 के बीच में आंसर कैसे आए। तो ये फॉर्मूला वो हमें करके देता है जिसका मीनिंग है 100 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज लेस देन 100 और 100 माइनस एनीथिंग इज ऑलवेज लेस देन 100। और वो एक रेंज बता देता है बुलिश और बेरिश का। तो ये 65 जो भी 60 आपको दिख रहा है, 66 है, 57 है, 16 है, 28 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0 टू 100 में से कोई भी एक वैल्यू है, अगर हम ये टग ऑफ वॉर करके गेम हम लोग को पता है जिसमें दोनों साइड में दो अलग अलग टीम अपनी ताकत लगाते हैं और बीच में एक सेंट्रल लाइन रहता है। तो हमारे RSI में हम लोग ने वो सेंट्रल लाइन जो बना है वो 4951 का बनाया है और वो लाइन के दोनों साइड में दोनों जन ताकत लगा रहे हैं बुलिश और बेरिश पावर से। तो 66 का मतलब बुलिश पावर ज्यादा है, तो वो जो मार्क है या जो सेंटर से स्ट्रेंथ अवे है लेकिन बुलिश साइड में अवे है, इसका मतलब ये है कि बुलिश स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ हम लोग को बता रहा है इफ एनीथिंग इज अबव 51 देन इट इज बुलिश, इफ एनीथिंग इज बिलो 51 देन इट इज बेरिश। तो हम लोग अगर इसको एक कलर में डिवाइड कर देंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर मैं बोलूंगा, तो इससे हम लोग को पता चलता है 66 ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ था यहाँ पे मार्केट का, और 16 मतलब 20 ये कौन से डेट को है, 12 मार्च को ये मिनिमम स्ट्रेंथ में था या बहुत ही बेरिश था 12 मार्च को, और 16 को कंपेयर टू दीज मेनी डेज, कितना दिस 15 डेज, ये 15 डेज के कंपैरिजन में ये दिन सबसे ऊपर था स्ट्रेंथ और ये सबसे नीचे था स्ट्रेंथ, या बेरिश स्ट्रेंथ इसमें ज्यादा था और बुलिश स्ट्रेंथ इसमें ज्यादा था। अभी डेफिनेटली ये नंबर मैच नहीं करेगा अपने को जो नंबर चार्ट में दिखेगा उससे, हम चार्ट में भी RSI लगाएंगे क्योंकि हम लोग ने इसके ऊपर का डेटा कंसिडर नहीं किया है, लेकिन हम लोग को इतना तो कंपेरिजन डेफिनेटली मिल जाना चाहिए चार्ट पे कि अगर ये हाईएस्ट दिखा रहा है तो चार्ट पे ये हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए RSI का और ये लोएस्ट पॉइंट होना चाहिए इस दिन को। तो हम लोग एक बार कंपेयर करते हैं। अभी तक मैंने जो बोला हो आपको कुछ समझा है या समझने में कुछ डिफिकल्टी है, आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। तो RSI का फॉर्मूला इतना ही सिंपल है, हम लोग ने जो एक्सेल शीट में कैलकुलेट किया है उसी तरीके से RSI कैलकुलेट होता है। अभी हम लोग चार्ट में देखेंगे। चार्ट में मैं यहाँ पे पैरामीटर सेट करता हूँ,
यहाँ पे 14 डाल रहा हूँ मैं, और RSI में भी मैं 14 डालूंगा, और हम लोग डेली पे होने चाहिए, हम लोग बैंक निफ्टी में डेली में है, और फिर हम यहाँ पे स्ट्रेंथ चेक करते हैं। चार्ट विजिबल है सबको? ओके, तो कौन सा दिन था वो? 28 फेब, 20 फेब को देखेंगे हम लोग, 20, 11, 17, 18, 19, ये 20 है, ये पॉइंट है। यहाँ पे हमें जो कैलकुलेशन में RSI मिला है वो 66 है, 12th क्या है, लोएस्ट, हाँ लोएस्ट वॉज, ओके दिस इज लोएस्ट। सी हमें यहाँ पे चार्ट पे भी वही मिल रहा है, 12th मार्च इज लोएस्ट एंड 20th फेब इज हाईएस्ट, तो ये रेंज है, ये रेंज डेफिनेटली अगर हम लोग प्रीवियस डेटा कंसिडर करेंगे यहाँ से यहाँ का, तो RSI में ये शिफ्ट होने वाला है। यहाँ पे हम लोग का जो कैलकुलेशन था वो सिर्फ 15 डेज का था, 15 डेज के हिसाब से वी नो द हाईएस्ट पॉइंट, वी नो द लोएस्ट स्ट्रेंथ, हाईएस्ट स्ट्रेंथ एंड द लोएस्ट स्ट्रेंथ। तो हमारा फॉर्मूला अगर हम लोग सारे दिन प्रीवियस वन ईयर को अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली अ परफेक्ट कैलकुलेशन हम लोग को मिल जाएगा। तो इस सिंपल तरीके से हम लोग पहले RSI क्या करता है, हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे, RSI क्या करता है, RSI देखता है कि लास्ट, ओके ये हम लोग को समझा के अब तक लोएस्ट और हाईएस्ट मैंने क्या बोला, क्यों रेफर किया, क्यों बताया, हमारा फॉर्मूला राइट है या वो टेस्ट करना था हमको सिर्फ चार्ट पे, तो सबको ये समझ में आया गया, प्लीज कंफर्म कीजिए। ओके बहुत इजी है RSI, बहुत ही अच्छा टूल है या बहुत ही मीनिंगफुल है, मतलब हम लोग कोई भी इंडिकेटर अगर यूज कर रहे हैं। ओके गैलेक्सी M30 से उनका नाम नहीं आ रहा है, कौन बता सकते हैं क्या कौन बात कर रहे हैं? जिन्होंने नो लिखा है, सुरेश जी। ओके सुरेश जी, आपको RSI का फॉर्मूला समझ में आया? आप अनम्यूट कर सकते अगर आपको कुछ बात करना है तो। सुरेश जी को मैं अनम्यूट कर दूं क्या? हेलो सुरेश जी, यस, आपका आवाज थोड़ा लो आ रहा है। हाँ थोड़ा बहुत समझ बोलिए ना, थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया। ओके मैं, ओके आप ये वीडियो रिविजिट कर दोगे ना तो मतलब आ जाएगा, बहुत ही सॉरी बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है हम लोग, आप वीडियो ओके कैलकुलेशन समझ में आया तो फिर मैं सिर्फ ये रिलेट करना चाहूंगा कैलकुलेशन से चार्ट में, कि कैलकुलेशन से हम लोग को दो वैल्यूज मिले, दो दिन मिले, जिसमें एक दिन में ये हाईएस्ट वैल्यू पे था और एक दिन में लोएस्ट वैल्यू पे था, और हमारा चार्ट भी अब जब भी हमने चार्ट पे ये प्लॉट किया तो हमें भी हाईएस्ट एंड लोएस्ट तो दिखा रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखाएगा क्योंकि हम लोग ने प्रीवियस डेज कंसिडर नहीं किए हैं इसके कैलकुलेशन में, जो इस दिन का कैलकुलेशन हम लोग ने किया तो प्रीवियस डे कैलकुलेट नहीं किए, लेकिन फॉर्मूला सेम अप्लाई होता है और कैलकुलेशन सेम ही चलता है, तो आपको सिर्फ इतना ही जानना है इसमें। तो मैं वही ओके तो शायद आप वीडियो रेफर कर लोगे तो आपको बाकी की चीजें भी समझ में आएंगी, तो मैं नेक्स्ट इस पे जाता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ। मैं कुछ तो बोल रहा था बीच में, मैं लिंक टूट गया, क्या बोल रहा था मैं? हाँ तो RSI क्या करता है, RSI क्या करता है, मूविंग एवरेज से क्या डिफरेंट करता है RSI, RSI हर दिन में बुलिश स्ट्रेंथ कितना था उसको अलग से निकालता है, बेरिश स्ट्रेंथ कितना था उसको अलग से निकालता है, फिर दोनों को डिवाइड करता है
डिवाइड करता है, एक फैक्टर निकालता है जिससे हम लोग को पता चलता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन कि इस दिन मार्केट बुलिश था और इस दिन मार्केट बेरिश था विथ वैल्यू. और उसके बाद हम लोग आज के दिन से रिलेट कर सकते हैं, आज के दिन से हम लोग कंपेयर करेंगे कि वन मोमेंट, हेलो 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 सॉरी. हाँ तो हम लोग रिलेट कर सकते हैं वेदांश. सॉरी वन मोमेंट. हेलो ओके. तो ओके रिलेटिव स्ट्रेंथ इससे हम लोग को पता चलता है. हमारा सेशन का नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट इज ड्राइवर. ओके ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो हम लोग के टर्मिनोलॉजी के हिसाब से वी आर कंसिडरिंग प्राइस एज अ व्हीकल, जिसको चलाने वाले लोग हैं, जिसको हम लोग ड्राइवर बोलते हैं. चलाने वाले लोग का मतलब सेंटिमेंट्स है, उसका स्ट्रेंथ इज उसका फ्यूल है, और ट्रेंड इज द डिस्टेंस इट कैन ट्रेवल. तो थोड़ा हम लोग चार्ट पे जाएंगे, चार्ट पे हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे कि प्राइस को कैसे चलाती है स्ट्रेंथ और कैसे गेन करती है. जैसे यहाँ पे एक पीछे सिंपल एक एग्जांपल दिया है, स्क्रीन इज विजिबल राइट, प्रेजेंटेशन स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. ओके थैंक यू. यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट लिया है, जिसको माइनर सपोर्ट बोलेंगे हम लोग, सपोर्ट बाद में बोलते हैं हम लोग. एक लो बनाया कंपेयर टू प्रीवियस लो, इट इज हायर लो, ये हाई है कंपेयर टू दिस हाई, दिस इज न्यू हाई. अगेन देयर वाज अ हायर लो कंपेयर टू दिस लो, देन देयर वाज अ इक्वल हाई. इसके बाद अगर स्ट्रेंथ चेंज होना है तो ये जो प्रीवियस लो है वो चला जाएगा, क्योंकि इक्वल आया है. इक्वल हाई आने का मतलब ये है कि नया ताकत जो लगाया प्राइस को बढ़ाने के लिए, नया फ्यूल या नया स्ट्रेंथ जो लगाया ड्राइवर, इसको आगे ले जा नहीं पाया. और ले ना आगे नहीं ले जा पाया, उसका मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ कहीं तो फ्यूल कम पड़ रहा है या वीक हो रहा है स्ट्रेंथ. और फिर क्या हुआ है, यहाँ पे ये लो चला गया, ये लो चला गया मतलब स्ट्रेंथ अभी चेंज होने वाला है और प्राइस आके यहाँ पे गिर गया. अभी क्या एक्सपेक्टेड है, अभी लोअर हाई एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये यहाँ पे जब भी फेल हो गया, यहाँ पे जब भी ये निकल गया, दिस ये जब भी इसने तोड़ा, उसका मतलब अभी नीचे के डिरेक्शन में शुरू होना चाहिए. ये रेजिस्टेंस हो गया, दोनों इक्वल बना लिया, इसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोला है. यहाँ से अभी नीचे आएगा, इसके बाद ये लो से नेक्स्ट लो बनेगा वो लोअर बनेगा. इसका मतलब ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड शुरू हो गया. लेकिन आप ऑब्जर्व करोगे डाउन ट्रेंड के लिए
अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे एक बार गाड़ी अटक गई, फिर स्ट्रेंथ निकल गया, फ्यूल निकल गया, प्राइस नीचे आ गया, उसके बाद लोअर हाई बनाया, मतलब यहाँ तक तो सब चेंज ठीक चल रहा है, यहाँ से प्राइस नीचे गिरना चाहिए एंड नेक्स्ट लो शुड बी लोअर देन दिस लो, बट ये लो से नया लो लोअर नहीं होते हुए यहाँ से वापस मुड़ गया, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने स्ट्रेंथ फिर से गेन कर लिया और फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंपेयर टू दिस लो दिस वाज हायर लो, ऑल्दो कंपेयर टू दिस हाई दिस वाज लोअर हाई, बहुत कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन के बाद दिस इज कंसिडर्ड एज न्यू हाई और दिस इज हायर लो, और हायर लो के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग हायर हाई और यहाँ पे हायर हाई बन गया और ये हाई चला गया, इसका मतलब ये है कि ट्रेंड कंटिन्यू हो गया फिर से, फिर आप यहाँ पे देखोगे एक हाई एक लो, हायर हाई हायर लो, सॉरी हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई लोअर सॉरी हायर लो देन लोअर हाई, और फिर लोअर हाई का मतलब ये है फिर से वीकनेस आ गया, और ये जो वीकनेस है इसको हम लोग ट्रेंड नहीं बोलेंगे, नया ट्रेंड नहीं बोलेंगे, उसको करेक्शन बोलते हैं हम लोग, तो उसके बाद ये वापस तोड़ दिया उसने लो, लो तोड़ा तो नया लो बनेगा तो लोअर लो बना, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे अगेन एक हाई बना है इक्वल हाई, फिर अगेन कन्फ्यूजन इक्वल इक्वल हाई इक्वल लो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ नहीं करना है अपने को, और ये कुछ नहीं करना है को इसको हम लोग ने आगे जाके थियरी बनाया जिसको हम लोग पेशेंस जोन बोलते हैं, ये पेशेंस जोन और आरएसआई साथ में जब काम करता है तो आपको पता होता है मार्केट में, पता चल जाता है कि कौन से टाइम पे मार्केट सिर्फ वॉच करने के लिए बना है, ट्रेड लेने के लिए नहीं बना है, और ऐसे ही एक समझो इसको स्ट्रांग रेजिस्टेंस बोला है, क्यों बोला है, क्योंकि तीन बार टेस्ट हुआ है और वहां से प्राइस डिक्लाइन हो रही है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि हायर लो बनाते जा रही है, तो जिस मोमेंट में ये हाई जाएगा तो प्राइस आगे बढ़ेगी, ये प्राइस एक्शन का फंडा है, प्राइस एक्शन आगे बढ़ते गया, स्ट्रेंथ बढ़ा है, अगेन स्ट्रेंथ रीगेन करने के लिए लो बना है, हायर लो हायर हाई इक्वल लो इक्वल लो, इसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये हाई चला जाएगा यहाँ पे एक लोअर हाई बनेगा और यहाँ से ये लो तोड़ने के बाद प्राइस चला जाएगा, रियल टाइम मार्केट ट्रेड, परफेक्ट। धनंजय जी ने पूछा कि रियल टाइम में ये हम लोग कैसे ढूंढ पाते हैं, तो शायद हम लोग ने एक वीडियो भी बनाया था इसमें, और जिसमें मैंने एक पूरा ट्रेंड एक पर्टिकुलर डे का पूरा ट्रेड दिखाया था, जिसमें हम लोग ने ट्रेल किया था स्टॉप, ट्रेलिंग स्टॉप हमने लिया था बैंक निफ्टी में, और हमने बैंक निफ्टी में 800 पॉइंट्स गेन किए थे, और ये वाला वीडियो है जिसमें मैंने मेंशन किया 2700 पॉइंट्स इन अ वीक, ऐसे कुछ तो है, वो वीडियो में हम लोग देखते हैं, लेकिन ये रियल मार्केट में भी हम लोग कैसे कर सकते हैं ये मैं दिखाता हूँ। अभी अपने पास टाइम फिलहाल 5 मिनट का है, तो मैं ट्राई करता हूँ दिखाने का। तो जैसे उस पॉइंट में मैं जाता हूँ धनंजय जी, लेकिन उसके पहले जैसे कोई भी कार चलाने के लिए ड्राइवर के पास एबीसी होता है, एक्सेलेरेटर ब्रेक और क्लच होता है, वैसे कोई भी प्राइस चलाने के लिए ड्राइवर के पास मतलब सेंटिमेंट्स आइदर फियरफुल होते हैं या ग्रीडी होते हैं या हेस्ट होता है, ये जो तीन चीजें हैं FGH करके जिसको मैं बोलता हूँ, ये मार्केट चलाती है, और आपको आइडेंटिफाई करना है कब फियर है कब ग्रीड है कब हेस्ट है, अगर हम लोग ये राइटली आइडेंटिफाई कर पाए तो हम लोग को अच्छी एंट्रीज मिल सकती है सेंटिमेंट वाइज, ट्रेड वाइज हम लोग को एंट्री लेना है तो हमें RSI दिखा देता है कुछ अच्छी एंट्रीज एंड वी कैन होल्ड दोज एंट्रीज फॉर लॉन्गर टाइम, और इसके लिए मैं बोलूंगा कि प्राइस है जिसको चलाते हैं ये व्हीकल जिसको चलाते हैं, जो स्ट्रेंथ है वो RSI में दिखेगा और जो ड्राइवर है वो सेंटिमेंट से, हम लोग को सेंटिमेंट जानना है। अभी हम लोग रियल टाइम चार्ट पे जाते हैं, चार्ट के लिए
शेयर करना चाहूंगा, बैंक निफ्टी किधर गया, बैंक निफ्टी पे जाते हैं, इजी। बैंक निफ्टी में वन मिनट में जाऊंगा, जहां पे ज्यादा हम लोग को डिटेल्स डिटेलिंग मिलती है। एक मिनट, चार्ट। ओके, चार्ट विजिबल है सबको? ओके, थैंक यू। अभी एनालिसिस में लगाऊंगा, वन मिनट का एनालिसिस, ठीक है। अब इसके लिए और एक चीज, ओके, अभी आया हूँ चार्ट पे, तो जैसे मैंने बोला था, एक गैप के बारे में आपको बताऊंगा मैं। गैप का एक अलग मीनिंग, जो 100% मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया है बिहेवियर, बट I can say 80% of the times it is matching, the logic is matching, and maybe आप खुद try करके इसको और थोड़ा powerful बना सकते हो। जैसे आपने देखा market open होने के बाद इतना gap बना था, सबको दिख रहा है rectangle बनाया हुआ, is this rectangle visible? Yes, gap visible. Gap को आप shift कर दीजिए, आप exact लगा दोगे gap को, exact बोलूंगा क्योंकि बहुत बार हुआ है ऐसे market में, एक बार नहीं, अभी मैं exact लगाने का try कर रहा हूँ, ठीक है। So this gap defines the complete move, end to end move, और ये gap के बाद इतना ही move क्यों आया, क्या आया, वो अभी तक मैं identify किया, लेकिन इसका meaning मैं नहीं जान पा रहा हूँ। लेकिन आप देखोगे ये gap एक दिन नहीं, पूरे दिन का move decide करता है। अभी मैं रफली प्लॉट कर रहा हूँ, आप परफेक्टली प्लॉट कर सकते हो जब कभी आप चार्ट रिविजिट मारोगे। यहाँ पे आप लो देख पा रहे हो, एक लो बना है, और अभी ये थोड़ा ऊपर नीचे है, बट दिस इज नॉट द वन टाइम, एवरी टाइम दिस हैपेंस। पूरे दिन का रेंज डिसाइड होता है ये गैप से। अभी इस हाई से लेके ये हाई, ये पता नहीं कैसे, कौन कब डिसाइड कैसे करते हैं ये लोग, बट यहाँ से होता है। अभी लास्ट दिन मैं करंट डेज को ही लेके जाता हूँ, करंट डेज में तो पूरे स्टेप्स उन्होंने वैसे ही ले लिए। सॉरी, कुछ क्वेश्चन रहेगा तो बता दीजिए मुझे। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, देन दिस वाज द सेकंड स्टेप, दिस वाज द थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, दिस वाज द हाई, दिस वाज द बॉटम दे मेड। आई डोंट नो, मैं इसका मीनिंग नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि ये कैसे करते हैं, लेकिन जब तक हम हायर हाई, सॉरी अपर बाउंड्री टच कर रहे हैं, तब तक मैं बोलूंगा इसमें स्ट्रेंथ है,
और वंस व्हेन वी आर टचिंग टू द लोअर साइड, इसमें वीकनेस आ जाता है, उनका टारगेट कंप्लीट हो जाता है. और फिर यहाँ पे हम लोग ये चीज को भी मैंने डिफाइन किया जिसको मैं शिफ्टिंग ऑफ जोन बोलता हूँ. इसमें आप देखोगे हाई बनाया, हायर हाई, सॉरी हायर लो, दिस इज हाई कंपेयर टू दिस हाई, छोटा सा हाई, दिस इज हायर हाई, दिस इज हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इक्वल लो या हायर लो, लोअर हाई. गड़बड़ शुरू होने वाला है, कुछ नहीं करना है जब तक ये नहीं टूटता है या ये नहीं टूटता है. ये टूटा उसका मतलब इसको हम लोग हायर लो पकड़ेंगे एंड देन प्राइस विल मूव टू अपसाइड बाय हाउ मच. दिस कैन आल्सो बी प्रेडिक्टेबल ऑलमोस्ट टू टाइम्स. ये पेशेंट जोन थ्योरी है, उसमें हम लोग सीखेंगे बराबर से ये कैसे होता है. लेकिन दिस इज द एग्जैक्ट कैलकुलेशन व्हाट दे आर मेकिंग. इसके बाद उन्होंने उतना ही जंप लिया है जितना रिक्वायर्ड था और फिर उतना ही बॉटम बना है. और अब इसको ही मूव कर सकते हो जब ये ओके, जब ये पेशेंट जोन का पार्ट होगा तब मैं ये चीज बताऊंगा कि कैसे है. लेकिन डज दिस लुक्स लॉजिकल जब तक ये हायर हाई, अभी हायर ये आने के बाद ओके कंफ्यूजन कहाँ पे हुआ, या हम लोग को ट्रेड कंटिन्यू करना है नहीं करना है वो कैसे समझते हैं. यहाँ पे समझो ये हाई बना है, ये लोअर या इक्वल लो बना है, उसके बाद ये हाई तो चला गया, मतलब लोअर हाई बना है यहाँ पे. ये लोअर हाई बनने के बाद वी शुड वेट फॉर, उसका स्ट्रेंथ जाना चाहिए ना, इसका स्ट्रेंथ गया है कि नहीं गया है हम लोग को जानना है. तो स्ट्रेंथ जाना या नहीं जाना किससे डिसाइड हो रहा है, ये लो चला नहीं गया है तब तक वी कैन कैरी दिस ट्रेड. अभी आप देखोगे आज के इस दिन का वोलेटिलिटी से बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है ये, इतना बड़ा स्टॉप लॉस 1000 पॉइंट, कितना पॉइंट का है, 24,200 से लेके 23,500, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है. कुछ नहीं कर सकते इसमें, वेट करना है सिर्फ, यहाँ से निकलता है कि वहां से निकलता है. लेकिन इसमें RSI अगर डाल देंगे, RSI का मीनिंग डाल देंगे तो ये बोल रहा है कि इसमें वीकनेस है अभी भी, ये सेलिंग साइड ही जाएगा. और वेट करना है हम लोग को सेलिंग साइड टूटने के लिए, मतलब ये ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक तो मैं बाय नहीं लेना है ऐसे बोलूंगा, यहाँ से यहाँ तक सेल भी क्यों नहीं लेना है, बिकॉज वी आर वेरी अवे वेरी फार फ्रॉम द मूविंग एवरेज. तो हम लोग को ट्रेड कहाँ पे लेना है एग्जैक्टली, समझो ऐसा सिचुएशन आया मार्केट में जहाँ पे प्राइस यहाँ पे खुला नीचे बंद हो गया और हम लोग का मूविंग एवरेज यहाँ पे हमारे लास्ट सेशन में हम लोग ने देखा है, तो ये बहुत अवे है. यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे क्या, नहीं करेंगे. फिर ये सर्किट आया, इसके बाद बाइंग हुआ वॉट एवर, यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे, हाँ करेंगे सेल, लेकिन सेल करने का तो हम लोग वेट कहाँ तक करेंगे, स्टॉप लॉस हिट होने तक. तो यहाँ पे सेल करने का तो स्टॉप लॉस कहाँ पे जाके हिट हुआ है, यहाँ पे हिट हुआ है, इस मोमेंट में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, क्योंकि स्ट्रेंथ दिखा रहा है निगेटिव है और बीच में जो कुछ हुआ है वो सब हम लोग इग्नोर करना है. वोलेटिलिटी के हिसाब से दिस वॉज वेरी बिग मूव, इसके लिए ये 1000 पॉइंट्स का मूव है, मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस 1000 पॉइंट्स का है. तो हम लोग को स्टॉप लॉस लेना है कि नहीं लेना है वो भी सोचने की जरूरत है. और फिर जाके यहाँ पे जाके स्ट्रेंथ चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे जाके ये फर्स्ट मूव था जिसमें स्ट्रेंथ चेंज दिखा है, फिर क्रॉस ओवर नहीं हुआ है बैंड का, तो हम लोग यहाँ से बाय कैरी कर सकते हैं ऐसे दिखाया गया है. और वी आर ऑब्जर्विंग फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर सो लॉन्ग बैंड ने, मतलब इस दिन से लेके कौन से तारीख से, 6 तारीख से, 2 तारीख से नहीं, 5 तारीख से लेके 13 तारीख तक वो नीचे था और फर्स्ट टाइम बैंड क्रॉस किया है, मतलब इसमें पॉजिटिव स्ट्रेंथ बन रहा है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. 5 मिनट्स में अगेन आप देखोगे सिमिलर स्ट्रेंथ बना है,
लेकिन 15 मिनट्स में आप जाओगे तो हमेशा मेरा ये सेम क्वेश्चन रहता है, 15 मिनट्स में भी उनको ट्रेड आगे लेके जाने का ताकत नहीं है, तो ये बुलिश ट्रेंड है या नहीं है। ओके, किसी को कुछ पूछना है इसमें? अतुल जी आपने अनम्यूट किया है, हेलो अतुल जी आपको कुछ बोलना है? अतुल जी आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे, टाइम खत्म हो गया शायद। हेलो, ओके मयंक जी आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। थैंक यू, एम आई ऑडिबल? वन मोमेंट मयंक जी। हाँ बोलिए, यस यू आर ऑडिबल। सर थैंक यू सो मच, मैंने आपका सेशन ये फर्स्ट टाइम अटेंड किया। लाइक आई सेड अर्लियर, आई बीन वॉचिंग सम ऑफ योर वीडियोस अर्लियर, आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड, सो आई बीन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स फॉर कपल ऑफ आई वुड से इयर्स ओनली, 2-3 इयर्स ओनली, बट मेरा अभी टेक्निकल एनालिसिस की तरफ भी थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, एंड आई वॉन्टेड टू नो हाउ डू आई रियली स्टार्ट, यू नो वेयर डू आई रियली स्टार्ट फ्रॉम। जो आपने फॉर्मुलाज वगैरह बताया दैट दोज़ वर रियली इंटरेस्टिंग एंड आई कुड कैच देम, बट मुझे अगर थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करना हो तो मैं वो कहां से शुरू कर सकता हूं? ओके, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। ओके, बोलता हूं ये से आपका क्वेश्चन ये है कि कहां से शुरू करना है, तो मैं पहले जानना चाहूंगा मयंक जी आप कितने टाइम से मार्केट में हो और फिलहाल आप कितना टाइम दे पा रहे हो मार्केट को? मेजरली मैं मतलब म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करता रहा हूँ, लेकिन मैं खुद भी बैंकिंग लाइन में हूँ, तो मैं खुद भी फाइनेंशियल एनालिसिस करके बैलेंस शीट्स का कुछ फंडामेंटल्स के बेसिस पर ही इन्वेस्ट किया है, नॉट बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। ओके, एंड सिंस हाउ लॉन्ग यू आर डूइंग दिस? म्यूचुअल फंड्स में तो मैं 6-7 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो इक्विटीज में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मैंने 2-3 साल से शुरू किया है। ओके, ठीक है, तो फॉर टेक्निकल मैं बोल रहा हूँ कि ये जो चीज है या मैं जो पढ़ रहा हूँ या मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये दिस इज नॉट फंडामेंटल, दिस इज नॉट टेक्निकल। मैं ज्यादातर बात जो करता हूँ ये सेंटिमेंट की बात करता हूँ मैं। तो आपको अगर स्टडी करना है या आपको शुरुआत करना है किसी चीज से, तो मैं बोलना चाहूंगा कि प्राइस एक्शन से हम लोग शुरू कर सकते हैं। प्राइस एक्शन एक अच्छी चीज है। आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो सर जी। हेलो, हाँ, तो प्राइस एक्शन जो है, तो शुरुआत प्राइस एक्शन फॉर टेक्निकल, प्राइस एक्शन से शुरुआत करना है। वंस यू स्टार्ट विद प्राइस एक्शन, आपको हर पैटर्न या हर चार्ट के पीछे का एक सेंटिमेंट्स आपको विजिबल हो जाएगा, या आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आपको दिखने लगेगा कि इसमें एक पैटर्न है, इसमें एक सेंटिमेंट्स है। मतलब मार्केट अगर कोई प्लेयर चला रहा है, बिग प्लेयर्स बोलूंगा मैं जिनके पास पैसा है, तो वो हर बार कुछ नया चीज नहीं इन्वेंट करते हैं, उनका पुराना टेक्निक है या एल्गोरिदम है, उसको एवरी डे आके वो लोग फॉलो कर रहे हैं। यस, प्राइस एक्शन पे वीडियो अगर मैं बोलने जाऊंगा तो एक बहुत ही अच्छा ट्रेडर है, चाइनीज ट्रेडर है, उसके वीडियोस बेसिक वीडियोस है, लेकिन अगर आपको कुछ कोई भी चीज फॉलो नहीं करना है तो सिंपलेस्ट मेथड इज विच इज नॉट प्रैक्टिकल, विच इज वेरी डिफिकल्ट, आपको सिर्फ वॉच करना है चार्ट फॉर 3-4 मंथ्स, विच इज वेरी बोरिंग। लेकिन सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं अभी जो बता रहा हूँ आपको चीजें, ये मैंने किसी बुक में नहीं देखी है या किसी बुक में ये मेंशन नहीं किया है, या आप कोई भी बुक रेफर करोगे तो जो लैंग्वेज है, मैंने जो बनाया हुआ लैंग्वेज है, हमारा लैंग्वेज में बोलूंगा, ये आप किसी बुक में या कोई भी रिलेवेंस भी नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि मैंने एक बड़ा सा बुक परचेस किया था, उसमें मैंने पाया या उसमें लिखा था कि जो बुक्स मार्केट में बने हैं वो सारे रिटेलर्स के लिए बने हैं,
आपने देखा रहेगा कि इनगल्फिंग पैटर्न, या अगर आपको टेक्निकल थोड़ा आइडिया है, आप फंडामेंटलिस्ट हो, लेकिन इनगल्फिंग पैटर्न है या पियर्सिंग पैटर्न है या हेड एंड शोल्डर है, ये सारे पैटर्न मार्केट में हजारों टाइम फेल होते हैं लेकिन फिर भी लोग उसमें पैसा डालते हैं। तो जो बुक्स जो बनाए गए हैं वो बुक्स रिटेलर के माइंड के लिए बनाए गए हैं, और आप देखोगे 95% लोग सब बुक्स पढ़ के भी फेल हो रहे हैं, तो वो बुक्स फेल होने के लिए बनाए। मतलब वो लोग पैटर्न का सिर्फ आधा पार्ट हम लोग को बता रहे हैं, जिसको हम लोग पैटर्न समझ रहे हैं, लेकिन पैटर्न के अंदर एक फॉलोअप पैटर्न आता है, वो कोई बुक में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। और उस कारण मैं बोलूंगा कि हम लोग फिर बुक्स क्यों रेफर करें या किसी के अलग थियोरी क्यों रेफर करें, हम लोग चार्ट वॉच करेंगे। सर जो मैं आज आपको बोल रहा हूँ, ये सारा ऑब्जर्वेशन आप खुद का बना सकते हो, आप खुद के पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सो स्टार्टिंग के लिए प्राइस एक्शन का मैं आपको एक ट्रेडर है उसका लिंक देता हूँ, आप उससे सीख सकते हो प्राइस एक्शन। बट फिर आप बायस हो जाओगे, क्योंकि कोई भी अपना एनालिसिस बताएगा तो हम लोग उसको पढ़ना शुरू करते हैं, अपना छोड़ देते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि चार्ट, नेकेड चार्ट देखिए आप, चार्ट सिर्फ कैंडलस्टिक देखिए और फिर आप ऑब्जर्व करना चालू करोगे। फर्स्ट सेकेंड मंथ कुछ नहीं, जीरो दिखेगा अपने को, कुछ नहीं दिखेगा चार्ट में। और फिर थर्ड फोर्थ मंथ से हम लोग को चार्ट में जो लोग नहीं रीड कर पाते वो देखना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने लाइव मार्केट में एक लेवल बोला था प्रीवियस डे में 23600, और उधर से एक रिकवरी आया था, बाउंस बैक हुआ था, आपने देखा रहेगा चार्ट, या अगर आप मेरे ग्रुप में रहोगे तो ये सब लेवल हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कहाँ से बाउंस बैक आ सकता है या कहाँ से प्राइस मुड़ेगा, क्यों मुड़ेगा। आप सिंपल यहाँ पे देखोगे, जैसे आपका आंसर में बहुत बड़ा देने जा रहा हूँ, आपने देखा रहेगा कैंडल्स ऐसे बन रहे हैं, छोटा सा कैंडल बना, फिर थोड़ा बड़ा बना, फिर बहुत बड़ा बना, फिर पूरा स्ट्रेंथ खा लिया उन्होंने, फिर एक छोटा सा कैंडल दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्ट्रेंथ पूरा हो गया और वो बॉक्स के नीचे भी आ गए, अभी कुछ नहीं होगा यहाँ से, यहाँ से आगे स्ट्रेंथ उनको लगाना नहीं है, लगाने के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ के आगे नेक्स्ट कैंडल फिर इंटरेस्टेड है हमको, ये कैंडल अगर हम लोग को अच्छे से दिख रहा है, रेड है, ग्रीन है, तो ये वहां से प्राइस को लेके उठा के लेके जाएंगे उनके बॉक्स के एंड तक। ऐसा एक ऑब्जर्वेशन है, ये सब चीज आप ऑब्जर्व कर पाओगे। ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ ये ऑब्जर्वेशन से मिल सकते, किसी बुक या कोई वीडियो में नहीं मिलेगी। बहुत ही डिफिकल्ट है मेरे को ये आपको एक्सप्लेन करना, क्योंकि जब ये मैं कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन भी सीरीज बना रहा था तो मैं ये सारा जो मुझे पता है ये नहीं बता पा रहा हूँ किसी को, तो मैंने उसको टर्मिनोलॉजीज में डिवाइड करके ट्राई कर रहा हूँ कि लोगों को बताओ। बट इसके पीछे का जो स्टडी है दैट इज ओनली चार्ट रीडिंग, उसमें कुछ नहीं, ना बुक्स है ना कोई। आप YouTube पे कितने भी वीडियो आप देखोगे तो आपको ये वाली लैंग्वेज नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हम लोग ने खुद डिफाइन की है। तो सॉरी मैं क्वेश्चन का आंसर देने के जगह पे मैं थोड़ा फिलोसॉफी मैंने बता दिया, बट प्राइस एक्शन आपको स्टडी करना है तो प्राइस देख के स्टडी हो सकता है। कोई भी बुक आपको नहीं बता सकता है या कोई भी वीडियो आपको नहीं बता सकता है, क्योंकि प्राइस, जो लोग प्राइस एक्शन बताते हैं उन्होंने बहुत ही बुकिश बोल रहे हैं, या आपको लगेगा कि अरे ये बंदा क्यों बोल रहा है, ऐसा प्राइस नहीं चलता है या ये पैटर्न फेल हो जाता है। ठीक है, तो शायद आप आपका नंबर शेयर कीजिए तो हम लोग ज्यादा बोल सकते हैं ये टॉपिक पे, एंड मे बी आई कैन क्लियर योर क्वेरी, या आपका डाउट जो है क्लियर कर सकता हूँ। फिलहाल ये सेशन हम लोग एंड पार्ट पे हैं, और आरएसआई अभी तक मैंने जितना बोला है, अगर आप सब लोगों को ये लॉजिकल लगा है, जैसे गैप थ्योरी का भी मैं बोलूँगा आने वाले सेशन में, लेकिन ये लॉजिकल लगा है तो प्लीज़ ये रियल मार्केट में भी अप्लाई कीजिए। और सच्ची में देखिए इसका स्ट्रेंथ, क्योंकि जब तक हम लोग यूज नहीं करते, मतलब बैंक बीज आप देख बोलूंगा मैं, बैंक बीज में आप एक सिंगल लॉट लेके आपका जो भी एनालिसिस खुद जो बनाओगे उससे आप ट्रेड करके देखिए। जैसे यहाँ पे सेलिंग दिया एग्जांपल, और विद गैप दिया है सेलिंग, ये गैप का मतलब क्या होता है ये भी हम लोग जान पाएंगे। विद गैप का मतलब ये स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ है, और
ये सेल कब तक कंटिन्यू होगा उसको हम लोग बोल नहीं पाएंगे, इतना अच्छा खासा सेल मिलता है, ये ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं। ओके, आपका नंबर मैंने नोट डाउन कर लिया है सर जी, तो आगे और किसी को क्वेश्चन से कुछ मतलब ये सेशन थोड़ा वन साइडेड हो जाता है, मैं बहुत बोलता हूँ जब मैं शुरू करता हूँ, तो मैं बोलना चाहूंगा जितने पार्टिसिपेंट्स है कुछ आपको कुछ क्वेरीज रहेंगी तो प्लीज आप पूछिए और थोड़ा इंटरैक्टिव बनाइए सेशन को, क्योंकि कभी कभी मैं फ्लो में चला जाता हूँ और कोई मुझे रोक नहीं रहा है, या फिर पता नहीं सब कुछ समझ में आ रहा है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आज का सेशन कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हो, क्योंकि हम लोग नौ और शायद 2-3 मिनट सेशन कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि RSI में से भी कुछ पार्ट मिस हुआ है तो फिर वो भी आप बोल सकते हो, शायद और एक पार्ट की जरूरत नहीं लगेगी, क्योंकि आने वाले सेशन में हम लोग हर बार RSI को रेफर करेंगे, री रेफर करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली लाइव मार्केट में हम लोग ट्रेड भी करेंगे, तो कैसे ट्रेड कर रहे हैं उसका भी एक कभी ग्रुप पे एक बार में लाइव मार्केट में लेवल्स में बात करेंगे, जैसे कोई एंट्री ले लिया उसके बाद ट्रेल कैसे कर रहे हैं, या हम लोग रिवर्स कैसे कर रहे हैं, या ट्रेंड कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, वो भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप पे। अभी RSI में कुछ ऐसा सेकेंड थॉट है किसी के पास, या किसी को RSI में ऐसा लगता है कि नहीं ये इलॉजिकल ये है ये पार्ट, या RSI ओवरबॉट ओवरसोल्ड के लिए ही यूज होना चाहिए, या और किसी चीज के लिए यूज होना चाहिए? आप खुद को अनम्यूट करके बोल सकते हो या रेज योर हैंड। What I find from practical trading is singing of chart is very important, especially for trade change. Okay. तो आप कुछ एग्जाम्पल देखना चाहते हो, या मैं इस पे कुछ एक वीडियो बना के 5-6 ट्रेड्स ऐसे दिखाऊं कि जिसमें RSI is helping us and we can trail. RSI में पैटर्न होते हैं क्या? ये शायद सुरेश जी पूछ रहे हैं, RSI में पैटर्न होते हैं क्या? एक्चुअली वो पैटर्न को हम लोग ने ऐसा कुछ नेमिंग कन्वेंशन मैंने नहीं दिया है, या बहुत लोग बोलते हैं कि डाइवर्जेंस या रिवर्स डाइवर्जेंस है, बुलिश डाइवर्जेंस है, बेरिश डाइवर्जेंस है। RSI को मैं स्ट्रेंथ पकड़ता हूँ, और सिर्फ स्ट्रेंथ एक पैटर्न है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रेंड में रुकना है कि नहीं रुकना है, ट्रेड में रुकना है कि नहीं रुकना है। जैसे फॉर शॉर्ट पीरियड, अभी हम लोग मंडे का सिनारियो भी देख सकते हैं, यहाँ पे वी आर इन 15 मिनट्स चार्ट। जो स्ट्रेंथ आया था कल के मार्केट में, बहुत ही बुलिश स्ट्रेंथ आया था, वो 15 मिनट के ट्रेंड को भी चेंज नहीं कर पाया अभी तक, तो वो फॉल्स है या वैलिड है? वो हम लोग को मंडे, मेरे हिसाब से वो इनवैलिड स्ट्रेंथ है, और मंडे भी हम लोग को कुछ ना कुछ दिख जाएगा। मंडे ये 15 मिनट्स के ऊपर जाना चाहिए, दैट मींस आने वाले 15 मिनट जो मंडे के नेक्स्ट 15 मिनट्स बनेंगे, उसके बाद अगर ये स्ट्रेंथ ऊपर चला गया तो उसको एक घंटा होने के लिए फॉर नेक्स्ट 4 such candles उसको ऊपर ही रहना है। सर मैंने सीखा है कि अबोव 60 इज बुलिश, विशाल जी का एक क्वेश्चन है, एंड बिलो 40 इज बेरिश, हाउ इट इज करेक्ट, करेक्ट है या नहीं है? शायद डियर व्हाई वी यूज 75 पीरियड ऑफ RSI। ओके, दो क्वेश्चन है यहाँ पे, 60 और 40 का क्या मीनिंग है, और बुलिश बेरिश होता है अबोव 60 बिलो 40 या why we use 75? Okay, तो दोनों का आंसर एक ही है। पहले तो हम लोग जो पैटर्न यूज करते थे
जो RSI में पीरियड यूज करते हैं या EMA में पीरियड यूज करते हैं, इसके पीछे का मीनिंग बहुत लोगों को पता है जो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं मेरा चैनल या जो वीडियोस। 75 का मतलब अगर वी आर इन 15 मिनट्स तो हम लोग 75 कैंडल्स फॉलो कर रहे हैं। 75 कैंडल्स का मतलब अगर फॉर नेक्स्ट 75 कैंडल, ओके 75 फॉरगेट 75, 1 मिनट में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। 1 मिनट में आप देखोगे तो द फिगर इज 375, इट इज वे मच बिगर देन एनी ऑफ द ट्रेडर विच आर करंटली यूजिंग इन मार्केट। लोग 14 यूज करते, 14 का मतलब क्या होता है, यहाँ से काउंट कीजिए, 1 मिनट का एक कैंडल है, लास्ट 14 कैंडल्स को स्टडी करके लोग पूरे दिन का ट्रेड कैरी कर रहे हैं, विच इज मीनिंगलेस। उसमें आप लेवल भी लगा रहे हो 40 एंड 60। 40 एंड 60 का मतलब ये है कि 40 के अबव कोई भी जाएगा, 40 के बिलो कोई भी जाएगा तो बेरिश है, मतलब ऑलरेडी इट हैज क्रॉस्ड 10% ऑफ मूव। 10% क्रॉस होने के बाद 40 के आगे अगर कोई फॉल हो रहा है, 40 के नीचे जा रहा है, उसके बाद आप ट्रेंड में एंटर कर रहे हो। क्यों नहीं हम लोग फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि 50 के बाद ही क्रॉसिंग कर लेते हैं, लेकिन 50 में क्रॉस करना या 50 में क्रॉस करना इट इज नॉट वेरी इजी, क्योंकि वहां पे एक ट्रेंड आ जाता है, एक बैंड आ जाता है जिसमें ट्रेंड चेंज होना जरूरी है। कोई भी गियर हम लोग शिफ्ट करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली फर्स्ट से सेकंड में जंप या फर्स्ट से थर्ड पे जंप नहीं करते, हम लोग को एक उसमें एक स्पीड पकड़ना पड़ता है, फिर हम लोग को कुछ इंडिकेशन इंजिन देता है, फिर हम लोग सेकेंड पे स्विच करते हैं। तो ये जो पीरियड है, ये पीरियड को हम लोग बैंड बोलते हैं। आप अगर हमारा टाइम फ्रेम का वीडियो देखोगे, सूफी जी नाम पता नहीं मुझे, SUF दिख रहा है मुझे, और विशाल जी, तो आपको टाइम फ्रेम के वीडियो में ये मीनिंग पता चलेगा कि 40-60 हम लोग क्यों नहीं यूज कर रहे या 75 क्यों यूज कर रहे। तो 1 मिनट के 375 कैंडल्स होते हैं, इसके लिए कोई भी ट्रेडर इंट्राडे स्काल्पर रहेगा, वो अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में है तो उसको 375 कैंडल्स का स्टडी होना जरूरी है, तब वो जाके डे ट्रेड कर सकता है, पूरे दिन का ट्रेड ले सकता है, क्योंकि उसमें सारे कैंडल्स कंसिडर होते हैं। अगर यहाँ पे 14 रहेगा और आप 40-60 भी यूज करोगे तो आप सिर्फ 14 कैंडल्स का स्टडी करके आप आज का अभी का ट्रेड ले रहे हो, जिसको कुछ मीनिंग नहीं रहेगा। आपको वो इंडिकेटर जैसे EMA बता रहा है, यहाँ पे दो दिखाए गए हैं, इसको मैं 14 करता हूँ, इसको हाइड करता हूँ और इसको मैं 14 करता हूँ और इसको मैं 14 करता हूँ। तो ये बहुत ही बड़ा नॉइज दिखाएगा अपने को, या हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे यहाँ पे। एग्जैक्टली ट्रेंड कब चेंज हो रहा है हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ 14 कैंडल्स कंसिडर करके हम लोग का मूव डिसाइड कर रहे हैं। इसके लिए 75 या 375 क्यों है, ये सब टाइम फ्रेम में मैंने ऑलरेडी एक अच्छा खासा 3 पार्ट का सेशन लिया है जिसमें बताया गया है। सबके लिए चलेगा सर ये स्टॉक, जो भी मार्केट में चीज चलती है उस सबके लिए आपका व्यू आपको सेट करना है। आपका व्यू ये होना चाहिए, समझो आपको कोई भी स्टॉक 1 साल के लिए कैरी करना है तो आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे और 51 सेट करोगे। कोई भी स्टॉक आपको 6 महीने के लिए कैरी करना है तो आप डेली पे जाओगे 75 सेट करोगे या 135, 125, अपने अलग अलग कॉम्बिनेशन है। आपका व्यू जितना बड़ा है या जितना अलग है उतना हम लोग को टाइम फ्रेम सिंक करना है अपने व्यू के साथ, तो ही हम लोग उसको वैलिड कर सकते हैं। जैसे आप अगर इंट्राडे पोजिशन लेना है तो आप डेली का चार्ट कभी नहीं यूज करना है आप, क्योंकि डेली का टाइम फ्रेम पे आप जो भी पोजिशनल लोगे वो 1 महीना 2 महीना चलेगा, लेकिन इंट्राडे के लिए आप 1 मिनट डेफिनेटली यूज कर सकते हो। जो लोग बोलते हैं 1 मिनट नहीं यूज कर सकते, बहुत ही क्या उसमें पोजीशंस आते जाते रहते हैं बहुत क्विक, वो ऐसा नहीं है सर। उसमें वो लोग 14 का RSI लगाते, 14 का EMA लगाते, 15 EMA क्रॉसिंग लगाते, विच इज नॉट राइट, विच इज नॉट इन सिंक विद द चार्ट। आई सी वॉल्यूम सेटिंग, वॉल्यूम सेटिंग है, वॉल्यूम सेटिंग स्टॉक्स में यूज होता है, ये इंडेक्स में नहीं यूज होता है क्योंकि इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं दिखता है। स्टॉक्स में हम लोग एक देख सकते हैं कि एवरेज वॉल्यूम 375 के ऊपर है तो उसको हम लोग अच्छा, इट इज एडिशनल इंडिकेटर, मतलब अगर बाइंग चल रहा है अच्छा खासा और एवरेज के ऊपर आ गया बाइंग, और सारे इंडिकेटर सेटअप RSI आपको बता रहा है,
पॉजिटिव है, ईएमए आपको बता रहा है पॉजिटिव है, तो एक अच्छा खासा मूव आपको मिल सकता है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. जैसे अगर आप देखोगे रिलायंस को, रिलायंस ने 1484 पे हमारा अगर आप सेटअप लगाओगे 375 का 1 मिनट पे, तो 1484 पे जो रिलायंस ने सेल दिया है वो कंटिन्यू होते होते अभी रिलायंस 1000 पे आ गया. मतलब अगर कोई भी फ्यूचर कैरी करता है रिलायंस में, तो इट वॉज 400 पॉइंट्स मूव इन सिंगल फ्यूचर एक लॉट कैरी करना है. तो इन योर चार्ट आई सी वॉल्यूम सेटिंग्स, व्हाट डू यू यूज फॉर 950? कहाँ पे वॉल्यूम है 950? दिस रिलायंस 500 पॉइंट्स. यस, आप ले सकते थे रिलायंस 500 पॉइंट्स. शायद आप रिलायंस के चार्ट पे भी जाओगे तो आपको दिखेगा जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है. 2-3 बार रिलायंस ने ऊपर मुंडी निकाला था, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं बनता है. सेम यहाँ पे भी वही, उतने ही पॉइंट्स. यहाँ पे एसएल क्या होगा, 375 ईएमएस है. ओके, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. एसएल हमेशा प्राइस देता है सर जी. एसएल के लिए हम लोग फिलहाल तो कोई ईएमए यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्राइस पे चलते हैं. तो आप अगर कोई भी ट्रेंड शुरू करते हो, जैसे कि अरे यार ये ऑफ सिंक चला गया क्या, सॉरी. बैंक निफ्टी के बारे में बोलूंगा. बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस नियर अराउंड, बैंक निफ्टी कभी भी 200, अभी जो वोलेटिलिटी है वो छोड़ दीजिए, अभी वोलेटिलिटी वो इम्प्रैक्टिकल है, वो कुछ भी वोलेटिलिटी है उसमें हम लोग स्टॉप लॉस लगाना मतलब पूरा प्रॉफिट मार्केट को देना है. 400 पॉइंट्स का भी स्टॉप लॉस वो बैंक निफ्टी लेके जाता है. लेकिन इफ वी आर कंसिडरिंग दी 375 ईएमए, सपोज यू आर हियर, कोई भी रैंडम डे में पकड़ रहा हूँ, यहाँ पे आपने देखा स्ट्रेंथ इज निगेटिव. ओके, दिस इज द फर्स्ट डे स्ट्रेंथ इज निगेटिव. सपोज पूरा गैप डाउन हुआ है, बहुत ही अच्छा गैप डाउन हुआ है. देखते हैं हम लोग एक चीज जस्ट और पर्पस. ओके, तो ये गैप डाउन में यहाँ पे ईएमए के सेशन के हिसाब से वी कैनॉट एंटर इन दिस एट दिस लेवल. तो हम लोग को एंट्री कहाँ पे करना है, नियर टू ईएमए. नियर टू ईएमए कहाँ कब आएगा, नियर टू ईएमए का मतलब ये है कि सपोज यहाँ पे एंटर हम लोग ने कर लिया, आरएसआई बता रहा है वी आर बेरिश, तो यहाँ पे हम लोग ने सेल कर लिया. जैसे मार्केट ओपन हुआ हम लोग को सेल कहाँ पे करना है, जब पहला लो जाएगा. ये लो था, ये हाई था, ये हायर हाई था, ये लो गया, यहाँ पे हम लोग ने एंटर कर लिया सेल में. एग्जाम्पल अब हम लोग एंट्री और एग्जिट लेते हैं वो स्पॉट पे नहीं लेते, हम लोग फ्यूचर के चार्ट पे लेते हैं. लेकिन मैं स्पॉट पे ये बताता हूँ, फिलहाल फ्यूचर पे नहीं जाते हम लोग. फ्यूचर में भी सेम चलेगा, फ्यूचर के चार्ट के हिसाब से चलेगा. यहाँ पे सेल हो गया तो आपका स्टॉप लॉस इधर रहेगा, ये आपका स्टॉप लॉस है. सेल करते जाइए आप. दिस इज योर एंट्री. यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, इसके ऊपर 2-4 पॉइंट रखिए. फिर आपका पोजीशन यहाँ पे आ गया, आपका स्टॉप लॉस यहीं पे रहेगा. फिर इधर तक प्राइस आया, फिर प्राइस नीचे आ गया, इट इज क्रिएटिंग लोअर हाई लोअर लॉस, मूव योर स्टॉप लॉस ओवर हियर. अगेन प्राइस यहाँ पे आया, नीचे आ गया, मूव योर स्टॉप लॉस ओवर हियर. अगेन प्राइस यहां पे आ गया, यू कैन मूव योर स्टॉप लॉस ओवर हियर. अगेन प्राइस यहां पे आके हिट हो गया. अभी क्या करना है, अभी वी आर इन बेरिश स्ट्रेंथ. यहां पे हम लोग को बाय नहीं करना है, कुछ नहीं करना है.
वी नीड टू वेट फॉर नेक्स्ट मूव. जैसे यहाँ पे लो बनाए, यहाँ पे इक्वल हाई बनाए, फिर हायर लो बनाए. हायर लो का मतलब अब ये बुलिश ट्रेंड चालू होगा, तो वी शुड वेट फॉर मार्केट टू ब्रेक दिस लेवल. इफ नॉट देन मार्केट शुड ब्रेक दिस लो. तो आप देखोगे ये लेवल तो ब्रीच नहीं हो पाया, तो हमने वहां वापस यहाँ पे एंट्री कर लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस मूव कर लिया ये लेवल पे. इसके बाद इधर तक प्राइस आ गया, स्टॉप लॉस बड़ा कैंडल है तो आप इसके ऊपर रख सकते हो. अगेन मार्केट मूव अगेंस्ट यू, अगेन नीचे आ गया. अब यहाँ तक ये लो नहीं तोड़ा है तो अगेन हम लोग को यही लो यही हाई पकड़ना है, लोअर हाई. फिर मार्केट ने ये लो बनाया, फिर आप स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव कर दीजिए. फिर मार्केट ने ये लो बनाया तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव कर सकते हैं. उसके बाद ये लो के बाद मार्केट ने हायर लो बनाया. अभी क्या करना है, हायर लो के बाद डेफिनेटली हायर हाई बनना चाहिए, ये एक इक्वल हाई बना. इक्वल हाई के बाद अभी अपने पास दो लेवल है, आइदर ये टूटेगा या ये टूटेगा. ये टूटा तो हम लोग को ऊपर जाना है, लेकिन हम लोग बेयरिश है तो मैं ये वाला मूव कभी नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि स्ट्रेंथ बेयरिश है. क्योंकि एनी टाइम ये मूव लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, एनी टाइम ये कभी भी कहीं पे भी कट हो सकता है. तो ये मूव चलते गया, दिस वॉज दी हाई एंड दिस वॉज दी डिक्लाइन हाई. उसका मतलब ये है कि ये लो बनने के बाद ये हाई बना, ये हाई बनने के बाद ये लो तोड़ा, इस लो को इसने तोड़ा. इसके बाद मेरे लिए ट्रेड कब लेना है, ये लोअर हाई बना, मुझे कंफर्मेशन मिला लोअर हाई बनने के बाद कि वापस वीकनेस शुरू हो गया. अभी मैं ये टूटने का राह देख रहा हूँ. ये टूटते ही मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया, मेरा स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे मूव किया. फिर मार्केट इधर तक आया, मेरा स्टॉप लॉस स्टिल देयर. फिर मार्केट ने हाई बनाया, अभी मैं मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मूव कर सकता हूँ, लेकिन यह लोअर हाई बना है तो मैं ये, तो आपको डिसाइड करना है. मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो प्रॉफिट लिया है, समझो एग्जांपल 1-2, ये प्रॉफिट मेरे को जो बोनस मिला, क्योंकि मैं अवे हूँ, ये तो मैं नियर हूँ, तो मेरे को पता है नियर है तो स्ट्रेंथ अच्छा है, तो मुझे स्टॉप लॉस थोड़ा सा अवे ही रखना है, क्योंकि ये तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. फिर भी अगर आपने यहाँ पे नहीं रखा और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा ये वाला, तो ये वाला आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे चला गया, ये हिट हो गया. फिर ये लो तोड़ने का राह देखना है अपने को. फिर यहाँ से आप एंट्री कर लोगे, इधर आपने एंट्री किया, लोअर हाई बना, आपका स्टॉप लॉस इधर मूव हो गया. फिर एक लो बना, फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव हो गया. फिर अगेन इक्वल बन गया, तो आपको पता है कि अगेन देयर विल बी सम नॉट गुड मूव. तो आप आपका स्टॉप लॉस यहाँ से ऊपर रख सकते हो. क्यों रख सकते हो उसका भी मैं मीनिंग बताऊं, क्योंकि वी आर नियर. जब हम लोग नियर है तो वी कैन टेक मैक्सिमम रिस्क, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ अपने पास बहुत आ जाता है, RSI के नजदीक आ जाते हैं हम लोग और EMA के नजदीक आ जाते हैं. अगर नहीं करना है तो आप एग्जिट ले सकते हो, फिर से आपको एंट्री तो डेफिनेटली मिलेगा. और ऐसा करते करते आप ट्रेल करते जा सकते हो, और डेफिनेटली इतने पॉइंट्स आप पूरे ट्रेंड के साथ चल के कैच कर सकते हो. जैसे ये लो पकड़ा, ये यहाँ पे हम लोग का एग्जिट हो गया, फिर से अगेन बुलिश ट्रेंड है, लेकिन हम लोग उस ट्रेंड में नहीं जाएंगे. ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया, शायद आपके क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है. सर जी, विशाल जी, आपको पता चला ये ट्रेंड में कैसे पकड़ता हूँ या आप कैसे पकड़ सकते हो यूजिंग 375 EMA. और 375 EMA से इम्पोर्टेंट 375 RSI, क्योंकि वो स्ट्रेंथ बोलता है अपने को. EMA हम लोग को जितना क्लोजर रहेगा उतना हम लोग को एंट्री री एंट्री देगा. आप ट्रेंड के किधर भी आप शुरू कर सकते हो ट्रेंड से, लेकिन इफ वी आर बेरिश हम लोग को बुलिश एंट्री लेना ही नहीं है. अभी आप यहाँ पे देखोगे RSI पूरा जोन में है और RSI ने बोला है कुछ भी मत करो.
और यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अगर आप ट्रेंड पकड़ने जाओगे तो एंड ऑफ द डे आप पॉजिटिव भी नहीं रहोगे, निगेटिव तो रहोगे, ब्रोकरेज भी जाएगा। और फिर यहाँ पे री एंट्री मिला है, देन योर स्टॉप लॉस, यू कैन मूव योर स्टॉप लॉस। यहाँ पे तो कुछ क्या फॉल हुआ है, क्या पता लोग कहाँ लेके जा रहे मार्केट को। यहाँ पे एंड कैसे होता है इसका भी रीजन है अपने पास। आप अगर इसको प्लॉट करोगे सर जी, इसको मैं जोन बोलता हूँ, कंप्लीटली पेशेंट जोन, जिसका हाई ये बना है और लो ये बना है, एंड देन इफ यू प्लॉट इट विल रीच टू द टारगेट। ये टारगेट के भी बाहर गया, लेकिन ये इधर तक टारगेट है, इसके बाद आप निकल जाना है ट्रेंड से। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर शायद मिला है सर। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? प्लॉट करना सीखना है डेफिनेटली हम लोग सब। विशाल जी ये बोलूंगा मैं कि जो कुछ चीजें हम लोग को प्लॉट करने के लिए चाहिए वो हम लोग अभी सीख रहे हैं, क्योंकि जब मैं प्लॉट करने जाऊंगा, जैसे आपका एक वैलिड क्वेश्चन था 375 क्यू है या 60-40 क्यू नहीं यूज किया जाता है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर अभी हम लोग ले रहे हैं। हम लोग आगे जाके जब ये प्लॉट करेंगे तो तब मुझे कुछ भी रिपीट करने का जरूरत नहीं, या जो मैं कर सकता हूँ हम लोग सब कुछ वो कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं पूरा थियोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और आप खुद का एक सेटअप बना सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और बैंक निफ्टी जैसे डिफिकल्ट टूल अगर हम लोग इजिली हैंडल कर सकते हैं, तो आप कोई भी स्टॉक इसको यूज करके बहुत ही अच्छे से कर सकते हो सर जी। सिर्फ जोन पे जाने के लिए, जो मेन पेशेंट जोन जो थियरी है उस पे जाने के लिए हम लोग को ये सारे पैरामीटर्स पहले इकट्ठा करना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना जोन पे जाने के बाद हम लोग को फिर जोन पे तो एडवांस टॉपिक्स है, जैसे शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग कब कैसे आता है, ये भी हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने लाइव मार्केट में एग्जाम्पल में वापस वही बोलूंगा, एक बार नहीं बहुत बार लाइव मार्केट में हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे मेरा एक मैसेज था 23600, मैंने एक लेवल डाला था कभी तो 23600, एग्जैक्ट बाउंस बैक वहां पे हुआ है और वहां पे एक ट्रेंड रुका था, और वो क्यों रुका था ये हम लोग सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये सब जोन थियरी का पार्ट है, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस पैरामीटर्स। तो हम लोग पहले पैरामीटर गो थ्रू करेंगे और फिर डेफिनेटली हम लोग प्लॉट करेंगे। एनी फर्दर क्वेश्चंस? सॉरी, मैंने टाइम स्ट्रेच कर करके, नाउ इट इज 12:40 एंड स्टिल देयर आर ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर वेटिंग। ये सेशन इतना बड़ा होने के बाद भी आप वेट कर रहे हो, थैंक यू। तो अभी अगर आज और कुछ डाउट्स नहीं है तो फिर हम लोग ये सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं, मंडे वेट करते हैं। जैसे समरी ऑफ दी सेशन या आरएसआई में बोलूंगा, स्ट्रेंथ तो बोल रहा है कि हम लोग ने ऐसा लेवल बना लिया मार्केट में, या लोगों ने ऐसा लेवल बनाया है कि वो डेप्थ कवर करने में या पोर्टफोलियो बनाने का इट इज नॉट द राइट टाइम, और राइट टाइम आएगा लोअर प्राइस भी मिलेगा, सो वी शुड वेट। यस, लिंक में एक शायद गड़बड़ हो सकता है, मैंने देखा है कि कुछ फर्स्ट पार्ट है सेशन का वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा हुआ है, शायद कब से रिकॉर्ड नहीं हुआ है वो पार्ट में डाल दूंगा, लेकिन मेजर पार्ट तो कवर किया है रिकॉर्डिंग में है, तो ये वाला सेशन में अपलोड करके लिंक शेयर करता हूँ। और थैंक यू ट्रेडर्स, और जरा भी
टेंशन ना लेते हुए हम लोग एक अच्छा खासा ट्रेडिंग कर सकते हैं, अच्छा खासा सेटअप अपने पास, सेटअप नहीं बोलूंगा मैं, अच्छा खासा टूल है जिसको आप चाहिए वैसा मरोड़ के यूज कर सकते हैं एंड ट्रेडिंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, एकदम फियरलेस ट्रेडिंग हम लोग कर सकते हैं। और इन्वेस्टिंग तो बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग आप देखोगे जैसे जैसे ही हम लोग सेशन आगे लेते जाएंगे, हम लोग एग्जैक्ट टाइम पे इन्वेस्ट करके हम लोग प्रेडिक्ट नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग गेस कर सकते हैं कि ये 3 गुना देगा कि 4 गुना देगा। सो थैंक यू एंड नाउ वी आर क्लोजिंग दिस सेशन। सर ये जीरोधा का चार्ट है? यस जीरोधा का चार्ट है। और नेक्स्ट सेशन है क्या टॉपिक है नेक्स्ट, एक मिनट, ओके माइंड गेम्स। नेक्स्ट सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, माइंड गेम्स, रिटेलर वर्सेस होलसेलर। हम लोग दो अलग अलग कैप पहनेंगे नेक्स्ट सेशन में एंड देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग हम लोग इसको बना सकते हैं। थैंक यू सचिन जी, थैंक यू रमेश जी, थैंक्स सौरभ, यस लिंक भेजूंगा मैं, थैंक यू केतन, थैंक यू अक्षय जी। सो गुड नाइट और मिलते हैं मंडे लाइव मार्केट में, कुछ पॉसिबल हो तो लेवल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम 10:30। Good night. Good night, everyone.